तो जो व्यक्ति अपने जो भाषण वगैरह नहीं बढ़िया दे सकता इंटरनेशनल मंच पे, हम लोग को कैसे प्रेजेंट कर सकता? आपने कहा कि मनमोहन सिंह बोले नहीं, वो जो नहीं बोले ना उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। दुनिया में ज्ञान बांटा, हिंदुस्तान में आके बोले नहीं और बेड़ा गर्क हो गया। हिंदू मुसलमान अगर वो कर रहे हैं तो अभी हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं जी मैं देश जोड़ने जा रहा हूँ। कौन सा देश जोड़ने जा रहे हैं? जो हमारा एक हिस्सा बटा हुआ था धारा 370 हटाने के बाद वो देश हमारे साथ जुड़ गया। पीओ के जोड़ लो मान जाएंगे, ये यात्रा यहाँ करने से बढ़िया वहाँ कर ले बहुत बढ़िया। वे बड़े आराम से कह देते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत में, सीरिया में कौन है? देश में सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए और हम सुरक्षित होने चाहिए। योगी जी हमारे कहाँ पे है? यूपी में। कोई दंगा हुआ नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वो बीच की खाई बढ़ रही है और वो अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ रही है। कांग्रेस का ये इनिशिएटिव अच्छा है कि वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक चोपड़ा है। ये भाई साहब देखिए, जो अभी आपने एक प्रश्न पूछा है कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि एक सशक्त व्यक्ति ही हमारे देश का प्रधानमंत्री हो। अभी मोदी जी के अलावा और कौन सा व्यक्तित्व ऐसा आपको दिखता है? कोई दिख रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी आपको ऐसा व्यक्तित्व दिख रहा है कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? कई बार आप इनके भाषण सुनिए, ये भूल जाते हैं 100,000 की फिगर कितनी होती है। आपने सुना है, मीडिया ने ही हाईलाइट किया है, मैं तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने जो भाषण वगैरह नहीं बढ़िया दे सकता है तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मंच पे हम लोग को कैसे प्रेजेंट कर सकता है? इसमें तो काम से मतलब है, भाषण नहीं देंगे फिर भी चलेगा ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मनमोहन सिंह तो भाषण बोलते ही नहीं थे, बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह को बोलते थे लेकिन वो देश में काम कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही सर, आपने कहा कि मनमोहन सिंह बोले नहीं, वो जो नहीं बोले ना उसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं। अच्छा, यस। अब आपको बताते हैं, मनमोहन सिंह थे हमारे इकोनॉमिक्स थे, क्या किया उन्होंने? दुनिया में ज्ञान बांटा, हिंदुस्तान में आके बोले नहीं और बेड़ा गर्क हो गया। हमारा उस टाइम डॉलर कहाँ पे पहुंच गया आपको पता है सब? उनके राज में। उनके एक इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट साहब, मेरे पास तलवार है, बहुत अच्छी तलवार है, तलवार निकली नहीं, चली नहीं, तो क्या फायदा उस तलवार का? अच्छा, आप बताइए। आपने कहा जी मनमोहन सिंह जी बहुत चुप थे, तो उस चुप, हमको चुप नहीं चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट कराना है और एक दमदार व्यक्तित्व के द्वारा रिप्रेजेंट करवाना है। कौन लग रहा है 24 में, कौन आपको दमदार लग रहा है? सर एक ही लग रहा है, उसके अलावा और है कौन? कौन, नाम तो बताइए। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, यस। राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी जी खाली देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। देखिए साहब, हिंदू मुसलमान अगर वो कर रहे हैं तो अभी हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं जी मैं देश जोड़ने जा रहा हूँ। कौन सा देश जोड़ने जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ? वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने जातिवाद और धर्म के नाम पे बांट रखा है, वो जोड़ने नहीं बांटा है, कुछ नहीं बांटा है साहब। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा एक हिस्सा बटा हुआ था धारा 370 हटाने के बाद वो देश हमारे साथ जुड़ गया। अच्छा, जुड़ा नहीं जुड़ा? वो तो साथ में था जम्मू कश्मीर। भाई साहब, धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ आप बताइए? आप भाई, मुझे लग रहा है कि हमारे जो रिपोर्टर हैं भाई साहब आप, वो तब नहीं था। अच्छा, तब नहीं था 370 के बाद। किसने बनाया है? चाइना किसने बनाया? ये पाकिस्तान किसने बनाया? किस चाइना? चाइना तो अलग है। किसने बनाया ये सब? चाइना अलग कंट्री है, ये सब देश हैं अलग अलग। किसने बनाया है? बांग्लादेश किसने बनाया? हाँ यस, देखिए आपने कहा ना, आपने कहा जो तोड़ा किया गया, जो तोड़ा किया गया, अब मैं बताता हूँ टूटा क्या। जब विभाजन हुआ उसको क्या कहते हैं? अलग करना, सेपरेशन। किसने किया, किसकी गवर्नमेंट में हुआ था? कांग्रेस टाइम में हुआ था। तो उसके कर्ता धर्ता कौन थे? अच्छा, कांग्रेसी। आज 370 हटने के बाद देश जुड़ा है तो किसके किसके नेतृत्व में जुड़ा है बताइए आप? किसके नेतृत्व में जुड़ा है? बीजेपी ने किया है जोड़ा। तो जोड़ तो ये रहे हैं। हाँ, अभी एक चीज और बाकी है जोड़ने के लिए, पीओके। पीओके, पीओके जोड़ लो मान जाएंगे, ये यात्रा यहाँ करने से बढ़िया वहाँ कर ले बहुत बढ़िया। पीओके में, यस, वहाँ पे आतंकवादी रह रहे हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप, जोड़िए ना, आप जोड़ने के लिए निकले हैं यार। अच्छा, जोड़ोगे किसे जोड़ोगे? जो अलग है, जो ऑलरेडी एक जो ये कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, क्या है फिर वो? भाई साहब देखिए, वो एक मुझे लग रहा है कि ठीक है, इनका एक अलग ही आइडियोलॉजी के साथ ही ये यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, बट उसमें जुड़ता तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि आप उस चीज को जोड़ते हैं जो चीज अलग है। अच्छा, वो अलग ही नहीं है तो आप जोड़ेंगे क्या? एक एक जगह अभी बच रही है हमारी, पीओके बच रही है, गिलगिट बच रहा है, आप उसको जोड़ लीजिए। अच्छा भाई, जोड़ने लायक जो चीज है आप उसे जोड़िए ना। ठीक है, ठीक है। आप एक हिंदू हैं, अभी हमारे साथ में एक मुस्लिम महिला थी, उनका मानना था कि जब से मोदी सरकार आई है ना, देश में खाली हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और मुसलमान को दबाने की कोशिश की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। भाई साहब देखिए, ये हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से कह देते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत में, सीरिया में कौन है? हिंदू है, मुस्लिम।
फिर वहाँ पे क्यों दंगे होते हैं? फ्रांस में अभी हुआ था, फ्रांस में क्या हुआ था, वहाँ पे क्या हिंदू हैं? नहीं है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम जो है ना, ये कुछ नहीं है। अच्छा। ये खाली एक, जब आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है हाँ। तो उस चीज को एलैबोरेट कर देता है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में हाँ। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अच्छा। जी हाँ। सब सही चल रहा है देश में, माहौल सही चल रहा है। अरे साहब एक एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत बढ़िया। योगी जी हमारे कहाँ पे हैं? यूपी में। कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ। आधी आधी पॉपुलेशन मान के चले, आधी हिंदी आधी मुस्लिम मान के चलते हैं, मान ले, इट मीन्स सब लोग साथ मिलके रह रहे हैं। 20% ले लीजिए। जब 20 और 80 का रेशियो में लोग सौहार्दपूर्ण रह रहे हैं तो कहाँ पे दिक्कत है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो कहाँ से मुसलमानों को क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? साहब देखिए, ये ना किसी भी मुसलमान को फील नहीं हो रहा है। ये जो कई इस टाइप के पॉलिटिशियंस हैं, ये उनको फील होता है। अच्छा। और वो अपनी फीलिंग्स को नीचे नीचे डाउन लाइन में धका देते हैं। यस, कहीं किसी को नहीं फील हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक मैं हिंदू खड़ा हूँ, एक सिख भाई भी खड़े हैं, एक हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, कोई दिक्कत हो रही है? तो क्या लग रहा है कि देश में मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई बेरोजगारी वाकई में चल रहा है देश के अंदर? देश में सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए और हम सुरक्षित होने चाहिए और हमारी एक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है साहब, ये सब मुद्दे होने चाहिए देश। महंगाई बेरोजगारी नहीं होना चाहिए सर? महंगाई बेरोजगारी नहीं होना चाहिए सब। महंगाई और बेरोजगारी का आप देखिए, वही मैं बता, अभी आपने कहा जी बेरोजगारी, आपको लगता है बेरोजगारी ज्यादा है? लगता है ना, जो अपोजिशन बोल रही है। देखिए साहब, आप एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए लास्ट ईयर हाउ मेनी एक्सपेंसिव कार हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट। अच्छा जी, ठीक है साहब, तो आपको एक डाटा मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपके पास महंगी कारें जितनी बिकी हैं तो वो खरीदने के लिए लोगों के पास रोजगार तो होगा ना। अच्छा, कहाँ से आया जी, जी, जी। और उसके बाद मोदी सरकार ने अभी कुछ भर्ती वगैरह कराई है जी। अच्छा, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला क्या लोगों को? अच्छा, मिला क्या? उतना काफी है देश के लिए? अरे साहब मिला। अब एक बात बताइए, आप लोग तो ये चाहते हैं ये सबको प्रधानमंत्री बना दे। तो बोलते हैं दावा किया था 2 करोड़ नौकरी का, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ दे रहे हो? भाई साहब देखिए, 2 करोड़ अगर नहीं थी तो स्टार्ट की है ना। अच्छा। ये 2 करोड़ में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा। आप रुकिए, 2 करोड़ तो छोड़िए, ये और बढ़ेगा, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो विश्वास है आपको? अरे भाई साहब मुझे क्या, आपको विश्वास है और जिनको ये रोजगार मिला है उनको विश्वास है। ये युवा से बात करते हैं, क्या नाम है आपका जी? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता जी कहाँ रहते हैं आप? सर दिल्ली में चांद चौक। हाँ जी, क्या लग रहा है देश में? सब कुछ सही चल रहा है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, युवा नेता बोलते हैं अपने आपको, आप किस तरफ जा रहे हैं? जी मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ जी। क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? बस नहीं, पसंद ही नहीं है शुरू से। पसंद ही नहीं है जी? क्यों, क्या वजह नहीं पसंद होने का? योगी जी मोदी जी, बस योगी जी और मोदी जी। क्यों भैया, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं युवा बेरोजगार हो गया है पूरी तरीके से, रोजगार नहीं मिल रहा युवा? नहीं नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है, रोजगार वगैरह सब अपने हिसाब से चल रहा है। अच्छा, सब सही चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद जी जी, कहाँ रहते हैं? मैं चांदनी चौक ही रहता हूँ। चौक में रहते हैं जी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब यहाँ पे अमित शाह भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है देश में सही राजनीति चल रही है? 2024 में किसे प्रधानमंत्री की चुन रहे हैं आप? सर 2024 का एक प्रधानमंत्री की बात अलग आती है, मेन है कि अभी एक शख्स एक अच्छी चीज लेके चल रहा है कि लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, सबसे बड़ी चीज। अभी सर ने ये बात बताई कि पिछले साल लोगों ने अगर कार इतनी ज्यादा खरीदी, मसला ये है कि हमारे देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वो बीच की खाई बढ़ रही है और वो अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ रही है। पहले हमारे देश में एक रोजगार का मुद्दा बहुत जरूरी है और होने चाहिए सब तक रोजगार। अभी हम जिसके पास हैं वो उस चीज को इस चीज के लिए फील नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप और युवाओं से बात करें जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करते हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो अलग अलग लेवल्स पर तैयारी करते हैं, आपको उससे रियलिटी पता चलेगी कि ग्राउंड लेवल पे कितनी जॉब्स हैं। अगर आप उसे थोड़ी सी जॉब्स को जॉब्स कहेंगे तो वो तो देखिए हार्ड एंड फास्ट लास्ट में तो सबको ही मिलनी है, लेकिन उसका प्राइवेटाइजेशन की तरफ जैसा चला जा रहा है, जो जॉब सिक्योरिटी लोगों की खत्म हो जा रही है। अभी कोरोना एक बहुत बड़ा मसला ये रहा कि लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, जो प्राइवेट सेक्टर्स ने लोगों को रातों रात उनकी जमीन नीचे से पैरों के निकल गई है, तो लोगों पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या लग रहा है जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सही है जो भारत जोड़ो या लोग बोल रहे हैं कि भारत टूटा कहाँ है, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति को जगाने के लिए, और एक उनके ऊपर टैग लग गया था पप्पू नाम का, उसे हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है? नहीं सर, उसका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर आपस में जो एक बेस लेवल पर सोशल गैप जरूर आया है लोगों के अंदर, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो अलग अलग पंथ के नाम पर हो। तो वो आप एक मुसलमान है
ठीक है, क्या लग रहा है कि धर्म के नाम पे बीजेपी जब से आई है भारत में, क्या बांटने की कोशिश की है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है? सर, बीजेपी को अपना वोट बैंक चाहिए। अच्छा। मेन वोट बैंक की राजनीति उस तरीके से चल रही है। अच्छा। और जो हमारे आजकल न्यूज़ चैनल्स वगैरह दिखाते हैं, हाँ। उस तरीके से बहुत ही अलग लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें अच्छा। दिखाई जाती हैं, हाँ। ताकि लोग उस चीज़ का पोलराइजेशन हो। अच्छा। हर पार्टी चाहती है कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिले। अच्छा। तो जिस तरीके से वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी पावर मिले, हाँ। तो पावर के लिए वो अपना पोलराइज कर रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर कहीं काफी हद तक कांग्रेस को किस तरह से फायदा मिलता है आपके हिसाब से? कांग्रेस को इससे फायदा तो नहीं, कांग्रेस तो अपनी जमीन ही खो रही है इस चक्कर के अंदर, क्योंकि वो अब वो लेकिन वो भी पोलराइजेशन की तरफ कहीं आ रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ रही है, कहीं ना कहीं उस चीज पे भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी लोग हमारे उसके, ये मैं भी कहूंगा कि कांग्रेस का ये इनिशिएटिव अच्छा है कि वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं।